हिमाचल में निजी स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। वे शिक्षा कम और व्यवसाय में ज्यादा रुचि रखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सोलन के राजगढ़ रोड पर देखने को मिला, जहां स्कूल प्रबंधन परिजनों को विशेष दुकान से किताबें और स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिस पर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मीडिया के समक्ष अपनी लाचारी जाहिर की। उनका आरोप है कि स्कूल प्रबंधन लगातार उनके बच्चों को अच्छा भविष्य देने की बजाय उनका आर्थिक रूप से शोषण कर रहा है और उनकी बात न मानने पर बच्चों का भविष्य खराब करने की धमकी दे रहा है, जिस पर वे चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ऐसे स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई हो। अभिभावकों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सोलन का निजी स्कूल जो आदर्श विद्यालय कहलाता है, लेकिन अब वह केवल जनरल स्टोर बनकर रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन उन्हें विशेष दुकान से ही किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि दुकानदार जबरन न चाहते हुए भी उन्हें किताबें और कॉपियों का सेट दे रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि स्कूल से भी उन्हें सामान भेजा जा रहा है, लेकिन उन्हें उसकी रसीद मांगने पर भी कोई रसीद नहीं दी जाती है, जो सरासर गलत है। यहाँ पर स्कूल में ट्रैक सूट बेचे जा रहे हैं। अगर हम इनको ये बोलते हैं कि भी आप ट्रैक सूट बेच रहे हो, हमारे लिए वो इशू नहीं है, आप हमारे को रसीद दो, पक्की रसीद दो, तो ये रसीद नहीं देते। सेकेंडली, ये हमारे से फीस बुक के और डायरी के पैसे लेते हैं, हमारे को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है देने में, लेकिन हम लोग इनसे अगर रसीद मांगते हैं तो ये रसीद नहीं देते मैनेजमेंट हमारे को। ये कौन सा जरूर, ये कौन से लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि जो नोटबुक्स के जो कवर हैं वो भी आपके स्कूल के नाम के ही चढ़ाने पड़ेंगे और उसके उसके पैसे ही हमें देने पड़ेंगे? क्यों देने पड़ेंगे भाई? ये जब हमने स्कूल को चुना था, मैं स्पेशल बागा से आकर सोलन में स्कूल को चुना था कि सबसे बेटर है। उस टाइम पे यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम भी थी वो अच्छे कोऑपरेट करते थे, अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन आज बीतते बीतते 12 सालों में देख रहा हूँ ये गीता आदर्श विद्यालय से ये गीता आदर्श जनरल स्टोर बन चुका है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जैसे इन्होंने पिछले साल अपनी एक वर्दी का कोड चेंज किया और 400-400 की ड्रेस इन्होंने 1200-1200 में बेच के मतलब बच्चों को लौटा कर, और हम लोगों पर दबाव बनाया जाता है कि आप इसी स्कूल की कापियां लें और इसी स्कूल के मतलब नोटबुक कवर लें तो बच्चा स्कूल आ सकता है, नहीं तो बच्चों के साथ भी ये मतलब उचित व्यवहार नहीं करते हैं, धमकी देते हैं, हम आपके बच्चे का फ्यूचर खराब कर देंगे। भाई कैसे कर देंगे? बिल्कुल नहीं चलेगा निया। मैं चाहूँगा कि इसमें पूरा प्रशासन आप लोगों के माध्यम से इसमें प्रशासन भी अपनी भागीदारी निभाए। हम लोग जब एडमिशन लेते हैं तो बोलते हैं कि हम पूछते हैं बुक्स कहाँ से मिलेगी, तो बोलते हैं कि कैलाश से मिलेगी। तो जब हम वहाँ जाते हैं, पिछले साल मैं गई थी, बुक्स ली, इतना बड़ा वो बना के दे देते बंडल, बिल हमारे को देते नहीं है कि ले लो बुक्स ले लो। फिर इस बार गई मैं, मैंने कहा मुझे ना नोटबुक्स नहीं चाहिए, मेरे को हर साल करते ये, इस बार कहा मुझे बुक्स दो, नोटबुक्स नहीं चाहिए, बहुत सारी है, बच्चा छोटा है, कितना लिखेगा, एक कॉपी तो कंप्लीट लिख नहीं पाते वो, और इतनी सारी 10-10 नोटबुक्स देते वो। मैंने कहा मुझे बुक्स चाहिए और नोटबुक्स नहीं चाहिए और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं, नोटबुक्स तो मिलेगी नहीं, लेना तो पूरा बंडल ले लो और कवर भी लेने पड़ेंगे, सब कुछ लेना पड़ेगा, पूरा बना के रखा होता उन्होंने, और वो भी स्कूल के उससे। और बोलते हैं हम लोग, खुद बोलते हैं स्कूल वाले कि वहाँ से ले लो, बाकी कहीं अवेलेबल नहीं होगा। मुझे तो कोई ऐसे यही प्रॉब्लम है कि जो ये एडमिशन लेते हैं हर साल वो गलत है, और ये मंथली चलो एडमिशन तो लेते लेते हैं, फीस भी बढ़ाते हैं साथ साथ, वो भी गलत है। जिसके अभी मेरा तो एक ही बेटा जा रहा है आगे को, फिर ये दूसरा भी जाना है। ये मैं तो सबके लिए बोल रही हूँ, जिनके तीन तीन बच्चे हैं उनको देखो, जो बेचारे कितने गुजारा कर रहे, घर का भी चलाना है और फिर बच्चों का भी देना, कहाँ से करेंगे पूरा? अगर स्कूल वाले ही इतने इतने पैसे लेके पढ़ाएंगे बच्चों को तो आम आदमी कैसे पढ़ाएगा? शिक्षा के लिए हम तो पढ़ाएंगे बच्चों को, हमारा तो मन है कि हम तो कराए, अच्छी शिक्षा दें बच्चों को। पेरेंट्स को तो यानी कि एक तरफ से डिप्रेशन में ही दे रहे हैं स्कूल वाले।